सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज सचिन भट्ट एंड यू आर वाचिंग टेक्स 24। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Realme 3 Pro के बारे में, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि Realme 3 Pro में आपको PUBG का एक्सपीरियंस किस तरह से मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का ये हमेशा एक सवाल होता है कि यार 10-15 हज़ार की रेंज में ना एक अच्छा फ़ोन बताओ जिसमें PUBG बढ़िया चले बिल्कुल हाई क्वालिटी में। तो दोस्तों, ये जो फ़ोन है ये आपको 13,999 रुपये का पड़ जाएगा, और जो मैं वेरियंट यूज़ कर रहा हूँ वो है 4GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट। दोस्तों, इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो भी काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर, और ये अभी तक के अपने रेंज में काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर माना जाता है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि गेमिंग में PUBG किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है, और HD में, लो में, आपको मीडियम में, सारे सेटिंग्स में आपको PUBG चला के दिखाऊंगा, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन कितना अच्छा ये आखिर में गेम चला लेता है PUBG। और यहाँ पे आपको Realme की तरफ से एक गेमिंग का वो भी ऐप मिलेगा जो कि आपकी गेमिंग को बूस्ट करता है, वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप्स को क्लोज करके और गेमिंग का परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। बाकी रैम वगैरह भी आपको अच्छे से ये मैनेज करके दे देता है गेमिंग के लिए। ये हो गया हमारा गेम स्टार्ट। और अगर मैं इस गेम की बात करूँ तो ये जो चल रहा है इसकी ग्राफिक्स में, ये रिकमेंडेड, ये शुरुआत में भी अगर आपको ये रिकमेंड करेगा तो वो हाई फ्रेम रेट्स और HD मतलब हाई डेफिनेशन में आपको गेमिंग चलाने के लिए रिकमेंड करेगा। इसका मतलब इसका जो प्रोसेसर वो है वो कैपेबल है हाई डेफिनेशन गेमिंग में। अगर आप HDR पर जाते हो तो ये आपको HDR सपोर्ट नहीं करने वाला है, और ना ही अल्ट्रा HD सपोर्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हम HD में खेल के चेक करने लेंगे कि ये गेम कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने ईवो ग्राउंड का जो मैच है नया PUBG ने इंट्रोड्यूस किया है, हम इसको खेल के देखते हैं। और ये कर दिया मैंने स्टार्ट। तो दोस्तों, जो मैं अगर इस डिवाइस की कीमत बताऊं तो वो है 13,999 रुपये। अगर आप इसकी, आप देख सकते हो कि HD में जो इसकी ग्राफिक्स है वो कितनी अच्छी निकल के आ रही है, जो फर्श है उसकी टाइल्स की डिटेलिंग वगैरह आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है। और काफ़ी अच्छे इसकी ग्राफिक्स जो है वो निकल के आते हैं। Sick man. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्रेम रेट का लैग नहीं हुआ। और मेन है कि आप देख सकते हो कि HD में भी अभी तक हमने बिल्कुल माइनर फ्रेम रेट का लैग महसूस किया होगा, बट ये कोई इतना मैटर नहीं करता अभी तक। देखो, और कहाँ कहाँ से गोली आ रही है ये नहीं पता लग रही। सेट, तो ये था जो हमारा HD में। अब हम यहाँ पे एक बार इसकी ग्राफिक्स को चेंज करके देख लेते हैं, और हम यहाँ पे इसको मीडियम में करके देख लेंगे। तो ये हमने कर दिया सेट, और अभी भी एक बार दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, ये मीडियम में ही है। अब मीडियम में देखो, अब वो जो डिटेलिंग थी वो काफ़ी चली गई है यहाँ से, लेकिन फिर भी मीडियम में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सेट, तो मीडियम में। और लो पे खेलने का इसमें कोई रीज़न ही नहीं है यार, लो पे खेलोगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। चलिए हम लो और हाई फ्रेम रेट पे खेल के देखते हैं इसको, और फिर इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो लो पे तो यार बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी स्मूथ चल रहा है ये, और इतने भी बुरा प्लेयर नहीं हूँ मैं। ये ना थोड़ा वीडियो बनाने की वजह से ना गेम पता नहीं लग पा रही कहाँ कहाँ से फायर आ रहा है।
तो सेट कोई नहीं, आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा। और बाकी इसमें और कोई फीचर हो तो मैं आपको बताता, लेकिन चलिए हम दोबारा से इसको HD पे कर लेते हैं, इसके ग्राफिक्स को, और आपको बदलाव बता देता हूँ मैं कि कितना अच्छा हो रहा है इसमें। तो देखिए फिर से जो डिटेलिंग है वो आ चुकी है यहाँ पे टाइल्स की। व्हाट द हेल, काफ़ी ख़तरनाक गेम है वैसे, इसमें अगर आपका ध्यान भटका ना तो आप कहीं से भी मारे जाओगे। तो यहाँ पे यहाँ तक आपने पबजी का एक्सपीरियंस देखा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको ख़रीदते हो 15,000 के रेंज में, आपको बेस्ट फ़ोन होने वाला है यहाँ पे। हाई फ्रेम रेट में यार, अगर मैं देखो, मैं बिल्कुल डिटेलिंग में चेक करूँ वैसे आपको ज़्यादा नोटिस नहीं होने वाला, अगर मैं डिटेल में चेक करूँ तो थोड़ा बहुत गेम यहाँ पे ना लैग करता है, बिल्कुल माइनर, कुछ सेकंड से 1-2 सेकंड का, वो भी कभी कभार इसलिए हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि इसके ग्राफिक्स ख़राब हो या फिर ग्राफिक्स का जो प्रोसेसर है वो ख़राब हो, GPU ख़राब हो। ऐसा भी हो सकता है कि गेम में इतनी इतना हैवी गेम है, थोड़ा बहुत इसमें बग्स आ जाते हैं। अगर मैं ये चीज़ मैं आपको बड़े डिटेल में रिव्यू दे रहा हूँ तब, वरना अगर आपको ये नोटिस नहीं होने वाला, हाई फ्रेम रेट में भी काफ़ी आराम से खेल लोगे। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लासिक एरकेड मैच लगा के दिखाऊँ, अगर यहाँ पे 8 8 मिनट वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका, अगर आप इसकी जो फ्लाइट जाएगी ना, फ्लाइट का जो नीचे आपको पेड़ दिखेंगे, अगर आप वैसे लो एंड डिवाइसेस में खेलो ना, तो वो पेड़ इतनी जल्दी रेंडर नहीं हो पाते हैं। इसके इनके जो GPU होते हैं ना, और प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं होता कि जो उसके पेड़ है वो रेंडर कर सके, जो पेड़ पौधे हैं जो ऑलरेडी जो गेम में मैप में है वो आपको फ्लाइट से जाते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन इस प्रोसेसर के थ्रू मैंने नोटिस किया कि इसमें आपको पेड़ वगैरह काफ़ी अच्छे से रेंडर हो जाते हैं पहले ही। आप अगर जहाज में ही हो तो देख लो यहाँ पे कितना अच्छा HD में यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। जो लाइट वगैरह है वो आपको यहाँ पे, फर्श है जो इसके ज़मीन, वहाँ पे भी आपको अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल रही है। और मेन बात तो यह है कि लैग आप देख लो, ये हल्का सा कभी ये थोड़ा सा लैग हुआ, और नीचे देखो पेड़ पौधे जो है, मैं जिसकी बात कर रहा था, वो अच्छे खासे रेंडर रेंडर हुए दिख रहे हैं मेरे को ऑलरेडी भी नीचे से ही। तो यहाँ पे मैं अनफॉलो कर देता हूँ इसको, और लैग का तो नामो निशान नहीं है। कभी कभार आपको सेकंड्स में हो सकता है, तो वो तो हो सकता है कि गेम में भी कभी कभार बग आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राफिक की कमी की वजह से ही हो रहा हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ही ऑलरेडी हर चीज़ रेंडर हो चुकी है, क्योंकि मैंने और लो एंड डिवाइसेस में खेला है ना, और उसमें मेन यही दिक्कत होती है कि रेंडर ही नहीं होता, आपका प्लेयर कूद जाता है और ज़मीन ही रेंडर नहीं हो रही। तो यहाँ पे ऐसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, रेंडरिंग में बहुत अच्छा है, आपको फ्लाइट से ही दिख जाएंगे पेड़ पौधे ऑलरेडी पहले से रेंडर होते हुए। और जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है, इसकी स्क्रीन है वो भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक कि मैंने यूट्यूब में HDR वीडियोस भी चला के देखे, और ये HDR वीडियोस तक सपोर्ट कर लेता है इसके स्क्रीन। तो इसका जो स्क्रीन का क्वालिटी है वो भी मेरे को देखने में काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। अब बाकी देखते हैं यहाँ पे 1-2 प्लेयर मार पाता हूँ नहीं मार पाता। वैसे तो खैर वीडियो बनाते समय ना हैक ब्रो, चलो कोई नहीं, दिखाना मेरा काम था, मैंने आपको दिखा दिया। और ये था पबजी का एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाने वाला है आपको। अगर आप 15,000 रुपये इस डिवाइस में अपना खर्च करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ायदा मिल जाने वाला है, और इससे मेरे ख्याल से मार्केट में इससे बेस्ट पबजी चलाने वाला फ़ोन भी नहीं होगा इस रेंज में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना, और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ। तो मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।